सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल इसीलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वह क्या चीज से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं, ठीक है। और सभी सेल के पास कुछ ना कुछ सेफ है, कुछ ना कुछ साइज है, और साइज के साथ ही साथ कुछ ना कुछ उनके पास वॉल्यूम भी है, ठीक है। कुछ ना कुछ वह जगह छेकते हैं। तो आप याद रखिएगा, सेल के पास कुछ ना कुछ सेफ है, साथ ही साथ साइज है, और साथ ही साथ वॉल्यूम भी है। इसीलिए सेल को क्या कहा स्ट्रक्चर गया है? बेसिक स्ट्रक्चरल। इसीलिए सेल को क्या कहा गया है? बेसिक स्ट्रक्चरल। आप याद रखिएगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वह क्या चीज से बने हुए हैं? सेल से बने हुए, ठीक है। सेल सब वह सेल से फंडामेंटल यूनिट भी कहा जाता है ना, क्या क्यों? चीज, फंडामेंटल यूनिट क्या फंडामेंटल यूनिट? हाँ, फंडामेंटल यूनिट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आप फंडामेंटल यूनिट भी कह सकते हैं। सर। क्या हुआ? ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह क्या चीज से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, और उनके पास कुछ सेफ है, साइज है, और साथ ही साथ वॉल्यूम होने के कारण सेल को क्या कहा जाता है? बेसिक स्ट्रक्चरल। बेसिक देखिए, स्ट्रक्चरल यूनिट हाँ, बेसिक सर, इन सब स्ट्रक्चर के पास डिफरेंट शेप नहीं होता है डिफिनिट नहीं होता है, यस, नॉट डिफाइंड। सर? जैसे आपको हमने एग्जाम में दिया था एक न्यूरो सेल का या नर्व सेल का पिक्चर बनाने के लिए, नर्व सेल, नर्व हाँ, तो सेल नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखिएगा, इस तरह से कुछ होता है, ठीक यस ना। देख रहे हैं, इस सेफ में नर्व सेल का स्ट्रक्चर होता है। जितने भी सेल हैं सभी का सेफ होता है, लेकिन डिफरेंट सेफ होता है। क्या होता है? डिफरेंट नॉट सेफ। डिफाइंड। हाँ, डिफरेंट सेफ होता है। कोई सेल ऐसा होता है, कोई सेल गोल होता है, कोई सेल रेक्टेंगुलर होता है, कोई सेल ओवल शेप होता है, कोई सेल लॉन्ग होता है, ठीक है। हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ में वॉल्यूम तो सबके पास होता है, क्योंकि वह कुछ ना कुछ स्पेस कवर करेगा ही, और कुछ ना कुछ उसके पास साइज अवेलेबल होगा ही। मान चलिए वह 2.mm का हो, मान चलिए वह 3 mm का हो, मान चलिए वह 6 cm का हो, कुछ ना कुछ उसके पास साइज भी अवेलेबल होगा। इसीलिए सेल को क्या कहा गया है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इन्हीं को यस कोई दिक्कत? सर, नो सर, नो सर। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाई डू यू कॉल्ड सेल इज फंक्शनल यूनिट। ठीक है, सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल के अंदर जितने भी फंक्शन है, हाँ, फंक्शन जितने भी फंक्शन हमारे लिविंग विंग्स के लिए जरूरी है, जो जानते हो कृपया चुप रहे, समझे?
जो नहीं जानते हैं उनको सुनने दे, ठीक ना। जितने भी फंक्शन सेल के, जितने भी फंक्शन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है, वह सभी फंक्शन कहाँ अवेलेबल होता है? सेल के अंदर। सेल जैसे आपका हो गया रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्लेशन नहीं होता, एसिमिलेशन, इंगेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे थे जिसमें बहुत सारा स्टूडेंट गलती किया था। नहीं, ये नहीं पूछे थे, क्लास 7 में पूछे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेल के अंदर वो यूजफुल फंक्शन अवेलेबल होते हैं कोई, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने में मदद करता है। जैसे रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, एंगेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एज वेल एज एक्सक्रिएशन हो गया। दीज ऑल फंक्शन आर अवेलेबल इनसाइड द सेल। या जितने भी फंक्शन है यह किस में प्रेजेंट रहता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और यह फंक्शन अवेलेबल होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट। ऑल द फंक्शन विच आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक like respiration, like digestion, like assimilation, like ingestion, like reproduction and excretion. ये जितने भी function हैं एक cell के अंदर available होता है, और यह available होने के कारण यह क्या कहलाता है? Functional fundamental unit. Functional sir, unit. हाँ sir, mosquito के अंदर कौन सा cell होता है sir? हाँ, मॉस्क्यूटो के अंदर कौन सा सेल होता है? ठीक है, कौन सा सेल होता है बताइए आशीष जी, हमको नहीं पता है सर, आप ही जरूर। ठीक है, जब हम आपको सेल टाइप के बारे में पढ़ाएंगे या सेल शेप के बारे में पढ़ाएंगे, सेल साइज के बारे में पढ़ाएंगे, तब आपको हम बताएंगे कि मॉस्किटो के अंदर कौन सा सेल अवेलेबल होता है। ठीक है, ठीक ना आशीष? ठीक है आशीष, हाँ हेलो, यस सर, Yes, sir. सभी को अभी तक में समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर, नो सर। बताइए मेघनाथ जी। हंस के रहे हैं आप, बताइए सेल क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल क्यों कहा जाता है? Why cell is called functional unit? सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है? All function inside because cell are essential for performing various life processes required for sustaining life like ingestion, digestion, respiration. गूगल बाबा को छोड़ो, समझ रहे तुम, गूगल बाबा से आंसर दे रहा है सर, यहाँ पर सर, इस होस्टल में गूगल कहाँ से आएगा सर? हाँ, तो हमेशा याद रखिएगा मेघा जी, सेल जितने भी लाइफ के लिए जरूरी फंक्शन है वह सब परफॉर्म करता है, लाइक डाइजेशन, इंगेशन, एसिमिलेशन,
यह सभी परफॉर्म होता है सेल के द्वारा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, यस सर। और बताइए बेसिक स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है? All organisms are made up of cell. Made up of cell, having not defined cell. चलिए, और जया ये क्या नाम है, जया भयूत क्या नाम लिखे हुए हैं? जिया। ओ जिया, किन्हीं को कोई दिक्कत? कॉपी निकालिए, सभी लोग कॉपी निकाल लीजिए, निकालिए। ऊपर में टर्म लिखिए बायोलॉजी। लिखिए। yes, लिखिए सर। लिखे और yes, नीचे में लिखिएगा, हम बता देते हैं किस तरह से आप लोग को लिखना है, क्योंकि आप लोग उर्दू फारसी भी लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए ऊपर में क्या लिखिएगा, बायोलॉजी लिख दीजिए, चैप्टर का नाम जो देना है दे दीजिए, नीचे में लिखिएगा बायोलॉजी। ठीक है, इस जगह ऐसे दीजिए, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, सभी कोई तो बहुत सारा तो कॉपी भी नहीं निकाला है, सर निकालिए। हाँ एक बात और कह देते हैं, खिचड़ी नहीं पकाइएगा, लिखिए बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस, बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस that studies about life and living organisms. नीचे लिखिएगा और लिख दीजिएगा, फिर दूसरा डिफिनेशन लिखिएगा, अ स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। फिर और करके लिख लीजिएगा, A study about plants and animals kingdom is known as biology. It's called biology. हाँ, अब लिखिएगा, नीचे में लिखिएगा, इसके नीचे में लिखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी में आप लिख लीजिएगा एरिस्टोटल। उसके बाद लिखिएगा एंशिएंट नेम ऑफ बायोलॉजी। एंशिएंट नेम ऑफ बायोलॉजी बायोस लोगोस। बायोस लॉगोस
बायोस प्लस लॉगोस लिखेंगे, बायोस प्लस लॉगोस भी लिख सकते हैं, बायोस लॉगोस भी लिख सकते हैं। सर हाँ सर, सर कैमरा चालू करवाइए ना सर, सबसे का है कौन है सर, कैमरा चालू करवाइए ना, बोल कौन रहा है, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, ऐसे बायोलॉजी लिखिए, बीच में यहां से तीन लाइन दीजिए ऐसे करके, पहला में लिखिएगा बोटनी, दूसरा में लिखिएगा जूलॉजी, तीसरा में माइक्रोबायोलॉजी लिखिएगा। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है? हाँ, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है? फिर नीचे से लिखिएगा बोटनी, लिखिएगा ऐसे लिख के ऐसे ऐसे दीजिए। कुछ नहीं दिखा रहा है आप लोग को, कुछ नहीं दिख रहा है सर, आपका स्क्रीन स्टार्ट है लेकिन जो आप स्क्रीन पर लिख रहा है सो नहीं दिख रहा है सर। यस सर, कुछ नहीं दिख रहा, मैं दिखाना चाह रहा हूं, दिख रहा है आप, दिख रहा है? नो सर, नो सर, स्क्रीन दिखिए नहीं रहा वो सबको। अब दिख रहा है, हेलो दिख रहा है, हाँ तो इसी तरह बनाइए, ठीक है? पहला में लिखिए बोटनी, दूसरा में लिखिए जूलॉजी और तीसरा में लिखिए माइक्रोबायोलॉजी। नोट्स लिखवा सेल तक खींच दिया है, लिखवा के बात करता हूँ, लिख लिए? Yes. हाँ, बोटनी ऐसे लिखिए, आगे लिखिएगा, सब अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑल ऑफ यू कर ले। ऐसा नहीं ना कि वीडियो ऑन ऑफ करके अपना अपना काम में लगे हुए हैं। हाँ छठा में, क्लोज करो, क्लोज करो, छठा में इतना लिख लीजिए, ठीक है आप लोग? यस सर। और कल से 7 बजे से ही आप लोग अपना टाइम पे अवेलेबल रहिए, ठीक ना? यस।